दिस ट्रैक्टर इज़ फिटेड विद ए टर्बो चार्जर, प्लीज़ कीप द इंजन इन लो आइडल कंडीशन फॉर एट लीस्ट 1 मिनट जस्ट आफ्टर स्टार्ट एंड जस्ट बिफोर शट डाउन। रेडिएटर के सामने इंटरकूलर हो गया दोस्तों, और इंटरकूलर के सामने भी लग रहा है कि रेडिएटर की तरह का ही है। इसके बारे में भी दोस्तों अभी बताऊंगा आपको। तो ये सोचने वाली चीज़ है दोस्तों, मतलब कितने गजब गजब के फीचर इन ट्रैक्टरों में आपको मिलते हैं। अब मैं आपको पीछे हट का बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये न्यू लैंड का ट्रैक्टर है दोस्तों, और आज की वीडियो में दोस्तों आपको इसका पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसके जो बेस्ट फीचर्स हैं वो सभी कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है, और ये जो है दोस्तों गंगो एजेंसी पे सबसे पहला ट्रैक्टर आया है, टू व्हील ड्राइव मॉडल। 4x4 की एक डिलीवरी दोस्तों यहाँ से हो चुकी है, जिसका आपने ब्रेक टेस्ट भी देखा होगा। उसकी डिलीवरी की वीडियो दोस्तों अलग है चैनल पर, और ब्रेक की जो है ब्रेक टेस्टिंग की अलग है। उसका आपको मैंने जो है ना वज़न भी दिखाया था दोस्तों, और इसका भी वज़न तोलेंगे दोस्तों कितना वज़न है इसमें। और दूसरी बात यह है दोस्तों, वो जो ट्रैक्टर का था 4x4, उसमें फ्रंट में जो है ना वेट नहीं लग रहा था, लेकिन इसके अंदर पहला ट्रैक्टर आया है गंगो एजेंसी पर जो वेट लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसका आपको जो है एक बार इंजन दिखाता हूँ बोनेट खोल के। बोनेट खोलने के लिए दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपको इसे ऐसा करना पड़ेगा इस साइड में, और आप बोनेट जो है ऐसा करके और ऊपर उठा दो। इसके अंदर जो है ना गैस स्टार्टर लग रहा। अगर दोस्तों इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर जो इंजन है वो है इवेको S8000 इंजन, वाटर कूल्ड 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, इंटरकूलर के साथ दोस्तों। ये जो है रेडिएटर के सामने इसमें इंटरकूलर लग रहा। और एक और आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये भी बताऊंगा अभी क्या है। रेडिएटर के सामने इंटरकूलर हो गया दोस्तों, और इंटरकूलर के सामने भी लग रहा है कि रेडिएटर की तरह का ही है। इसके बारे में भी दोस्तों अभी बताऊँगा आपको। इंजन का जो बोर है दोस्तों वो है इसका 104 mm का, और स्ट्रोक की लेंथ है 115 mm की। इसमें दोस्तों जो 60-10 है, 65-10 और 75-10, तीनों के स्पेक्स जो हैं लगभग वो सेम से ही हैं। 2931 cc का इंजन है, और जो इंजन का फायरिंग ऑर्डर है वो है 1-2-3। अगर इसके रेटेड आरपीएम की बात करें दोस्तों, तो जो हाई आरपीएम है इंजन के वो है 2500, और रेटेड आरपीएम है इंजन के 2300। और इसकी जो है दोस्तों टर्बो यहाँ पर लग रही है, होलसेट कंपनी की टर्बो लगी हुई है। ज़्यादातर ट्रैक्टरों में जो है ना इसी कंपनी की टर्बो लग कर आती है होलसेट की। और मफलर जो है दोस्तों अंदर दे रखा, ये देखिए टेल पाइप बाहर निकला हुआ है, ताकि इंजन का जो साउंड है वो कम से कम हो, ड्राइवर को दिक्कत ना हो। इसलिए दोस्तों जब आप इन ट्रैक्टरों को जुताई में चलाओ ना, तो फ़ोन पर भी आप आराम से बात कर सकते हो, इतना शोर नहीं आता जितना आम ट्रैक्टरों में आ गया है। ये दोस्तों जो है इसका सेंसर है यहाँ पे, अगर फिल्टर चोक होता है ना इसका एयर क्लीनर जो है, तो ये सेंसर जो है आपको वहीं पर दिखाई देगा इंडिकेशन पैनल में। 8 इंच का इसके अंदर दोस्तों जो आपको ये एयर क्लीनर मिलता है प्री क्लीनर के साथ में। अब एक ध्यान से समझने वाली बात ये है दोस्तों, कि जिन ट्रैक्टरों के अंदर ड्राई आवे ना एयर क्लीनर, उनमें दोस्तों ये प्री क्लीनर जो है ये नहीं आता, लेकिन न्यू लैंड ने ये भी दे रखा। इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये जो आपने ऑयल वाले देखे होंगे ना, जिसमें ऑयल वाला एयर क्लीनर ट्रैक्टर में आता है, उसमें ऊपर लगा रहे, इसे दोस्तों प्री क्लीनर बोलते हैं। तो इसमें ये इसलिए है दोस्तों कि जो मोटे कण है ना धूल के, वो यहीं पर गुजा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो है ना 2 फिल्टर लगे हुए हैं, और अगर देखें तो इसकी जो क्षमता है ना वो वेट जो एयर क्लीनर हो ना दोस्तों उससे ज़्यादा होती है हवा को फिल्टर करने की। फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे इसमें जो है बैटरी है, और इसके फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे ये जो है वेट स्टैक लग रहा। वेट स्टैक भी जो है न्यू लैंड में 3 तरह के हैं, एक 55 किलो का, एक 70 किलो का, एक है 110 किलो का। अब ये दोस्तों कंफर्म नहीं है, वैसे इस पर वेट नहीं है कहीं पे लिख रहा है इसका, शायद 70 किलो का हो सकता है। एक बार अगर नीचे से देखो दोस्तों, नीचे शायद हो सकता है कहीं पर लिख रहा हो, है नहीं दोस्तों। और इसमें जो है CNH केज न्यू लैंड 30 किलो की एक प्लेट है दोस्तों, और ये लग रही है इसमें 4 प्लेट, मतलब कि
एक क्विंटल 20 किलो वजन है इसके फ्रंट में आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। और दोस्तों अगर आप इसमें चाहो ना तो और भी प्लेट ऐड कर सकते हो, ये मान के चलो कि लगभग दो और दो चार, चार प्लेट इसमें दोस्तों और लग जाएगी, दो इस साइड में दो इस साइड में। अगर आपको कोई भारी इम्प्लीमेंट आप ट्रैक्टर पर चलाते हो तो और भी इसमें वेट ऐड हो जाएगा। और दोस्तों रोटरी पंप के साथ में ये ट्रैक्टर जो है आता है, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो है इसका दोस्तों हाइड्रोलिक पंप हो गया और ये हो गया इधर स्टीयरिंग का पंप, ये अलग अलग है, अगर एक ख़राब होता है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा ना कि ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो रेडिएटर इंटरकूलर, और ये है दोस्तों हाइड्रोलिक कूलर। ट्रांसमिशन ध्यान से समझना, ट्रांसमिशन का जो तेल है और आपका ब्रेक का और जो डिफरेंशियल हाउसिंग का, पावर स्टीयरिंग का भी, शायद पावर स्टीयरिंग का दोस्तों इसमें जो है ना अलग अलग नहीं होगा दोस्तों, इसमें इधर से देखना पड़ेगा, हाँ कंबाइन है दोस्तों। तो ये ऑयल जो है ठंडा होता रहे, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए दोस्तों तो उसकी विस्कोसिटी जो है ना, ऑयल पतला हो जाए तो सही तरह से मतलब काम नहीं कर पाता, आपको स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक में जो है थोड़ी दिक्कत महसूस हो, इसलिए उन्होंने हाइड्रोलिक कूलर भी इस ट्रैक्टर में दे रखा है। पहला ट्रैक्टर है दोस्तों इंडिया के अंदर जिसके अंदर आपको हाइड्रोलिक कूलर भी मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टायरों की। फ्रंट टायर जो है ये देख सकते हो आप गुडियर के टायर हैं 750/16 के, और रियर टायर जो है 16/9/30 के हैं दोस्तों, ये देखिए। और 60/10 में भी आपको 16/9/30 के मिलेंगे, लेकिन जो 75/10 है दोस्तों उसमें आपको 18/4/30 के मिलते हैं। और ये टायर जो है ना दोस्तों ये देखिए कितना ऊंचा लगता है, अभी आपको सारी चीज़ बताऊंगा इसकी डायमेंशन में कितनी ऊंचाई है इसकी। ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो ना, थोड़ा पिछट का दिखाऊँ, ये देखिए फाइबर वुड जो है ना दोस्तों, साइलेंसर जो है थोड़ा ही इसका नीचे है फाइबर वुड से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट एक्सल की। फ्रंट एक्सल जो है दोस्तों इसके अंदर आपको एडजस्टेबल मिलता है, ये बहुत ही गजब चीज़ है दोस्तों, एडजस्टेबल ही होना चाहिए फ्रंट एक्सल। और अगर पावर स्टीयरिंग की बात करें तो ये आपको मिलेगा इसमें सिंगल एक्टिंग, ये देखिए न्यूलैंड के सभी ट्रैक्टरों में आपको जो है दोस्तों सिंगल एक्टिंग ही मिलता है पावर स्टीयरिंग जो है, कुछ कंपनियां दोस्तों जो है ना डबल एक्टिंग लगा हुए हैं। अगले ट्रैक की अगर चौड़ाई की बात करें ना दोस्तों, जो अगले पहिए के सेंटर से मतलब ट्रैक जो हो ना अगला, तो अगले पहिए के दोनों सेंटर की दूरी को नापते हैं दोस्तों इसमें, जैसे कि ये है, ये जो झीरी है ना इसका नपागा, ये तो इस झीरी से नपागा दोस्तों। अगले ट्रैक की चौड़ाई जो है 55.5 इंच की है इसकी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पिछले ट्रैक की। पिछले ट्रैक की जो चौड़ाई है ना दोस्तों, वो मतलब टायर के सेंटर से और इधरले टायर का सेंटर ऐसा नापी जा जैसे अगले की नापी जाती है, सेम ऐसे ही। तो इसकी जो पिछले ट्रैक की चौड़ाई है वो है दोस्तों 1536 mm, अगर इंच में बताऊं तो ये बैठती है लगभग दोस्तों 60 इंच के आसपास, 60.4 इंच। और पिछला जो हिस्सा है दोस्तों इसमें आपको EPI मिलेगा, एपिक साइक्लिक रिडक्शन। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें दोस्तों जो है वैसे तो 20 क्विंटल की आवे इसकी, लेकिन ये ऑप्शनल मॉडल है, इसमें रैम सिलेंडर लग रहा तो 25 क्विंटल की इसकी दोस्तों लिफ्ट कैपेसिटी है। और 2 DCV मिलते हैं आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट डिसहैरो रिवर्सेबल प्लो वगैरह चलाने के लिए, 2 होल बेल क्रैंक आपको इसके अंदर मिलता है। और दोस्तों न्यूलैंड की हाइड्रोलिक जो है बहुत ज़बरदस्त है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है हाइट लिमिटर, इससे आप इसकी जो है हाइट लिंकेज की हाइट को सेट कर सकते हो कितने ऊपर आप इसे उठाना चाह रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों जो है सेंसिटिविटी कंट्रोल भी है, ये देखिए ये जो है, इससे आप इसकी सेंसिंग हाइड्रोलिक की बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। और जो ये है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा, इससे आप इसकी जो है इम्प्लीमेंट की गति मतलब कितनी तेज़ी से आपको नीचे गिरना वो भी सेट कर सकते हो, मतलब कि इसकी हाइड्रोलिक में सभी फंक्शन है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसमें जो है ये SMV लगता है, ये देखिए, जैसे मान लो दोस्तों खेत में चला रहे हो ट्रैक्टर तो आप SMV को यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पे जो है कंपनी ने जगह दे रखी है, देखिए इस पर लग रहा है। जब आप इसे रोड पर चलाओगे तो
तब ये दोस्तों आपको वहाँ से निकाल के और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये ही ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों कि कंपनी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर कितना ध्यान देती है। और जो ट्रैक्टर हमें उनमें फिक्स होता है SMV, लेकिन न्यू लैंड के अंदर ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों ग्राउंड से और इसका जो स्टेयरिंग व्हील है, आपको थोड़ा पीछे हट कर दिखाऊँ, ये देखिए ग्राउंड से जो स्टेयरिंग व्हील है ना दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है दोस्तों इसका 1791 mm की ऊंचाई, मतलब के 70 इंच के आसपास, 70.5 इंच है दोस्तों ग्राउंड से और स्टेयरिंग की ऊंचाई। और जो व्हील बेस है दोस्तों ट्रैक्टर का वो है 2079 mm का, इंच में बैठा का दोस्तों ये लगभग 82 इंच के आसपास, अगले टायर से पिछले टायर के सेंटर की दूरी 82 mm मान लो 12×84 7 फुट से दोस्तों थोड़ा सा कम बैठा का। और जो रोप्स लग रहा दोस्तों ये कैनोपी जो है जमीन से लेकर और रोप्स की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 101 इंच की, मतलब कि मान लो 12×98 और 97×98 8.5 फुट के आसपास बैठेगी दोस्तों रोप्स की जो ऊंचाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार हाथ से, मेरी जो हाइट है दोस्तों वो है 5'10" के आसपास, और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो गया और अपना हाथ ऊपर उठाऊँ ना दोस्तों तो ये देख सकते हो मतलब मेरे हाथ से कितना ऊंचा है। एक बार आपको यहाँ से दिखाऊँ पीछे से, ये देखिए ये जो बोल्ट है ना दोस्तों यहाँ तक पहुँचा हाथ, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको पीछे हट कर बोल्ट दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो बोल्ट है दोस्तों यहाँ तक पहुँचा मेरा हाथ, और इससे भी और काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर ये है। छतरी जो है दोस्तों ये 20 की अलग आती है, जो 36-30 मावे ना वो कैनोपी नहीं है, उससे थोड़ा साइज इसका कम है। इसका लुक जो है अलग है, उससे देखने में वैसे ही सुंदर लगती है। और दोस्तों अगर ट्रैक्टर की जो है ना लंबाई की बात करें तो वो है 152 इंच, 3875 mm में बैठती है, 3875, और इंच में बैठती है दोस्तों 152.5। और जो वजन है दोस्तों ट्रैक्टर का वो इसे लेकर चलेंगे अभी धर्मकांटे पे, वजन इसका करेंगे वहाँ पे चेक, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में वेट है मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रंट जो एक्सल है इस पर वजन है दोस्तों 9 क्विंटल 45 किलो, और पिछले एक्सल पर वजन है 14 क्विंटल 70 किलो। अगर आप इसे जोड़ते हो तो टोटल जो वजन है 24 क्विंटल 15 किलो है, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये मैंसन नहीं है कि ये वजन जो है रोप्स को लग के है या उससे अलग है, और इसमें दोस्तों वेट भी लग रहा इससे अलग है या इसे मिला का है। वैसे जो ट्रैक्टर का वेट हो ना दोस्तों वो वेट से अलग ही, ये जो वेट लग रहा है ना फ्रंट, इससे अलग ही लिखा रहता है डॉक्यूमेंट में। चलिए वेट एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों, जब इधर से लेकर जाएंगे ना इसे धर्मघंटे पे एक बार चेक कर लेंगे इसका वेट। अगर दोस्तों इसके क्लच की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको डबल क्लच मिलता है, ये वहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये डबल क्लच का लीवर है। न्यू लैंड के ज़्यादातर ट्रैक्टरों में आपको दोस्तों डबल क्लच ही मिलता है, ड्यूअल क्लच से थोड़ा सा बेटर रहता है डबल क्लच। और 11 इंच जो है दोस्तों वो क्लच प्लेट का साइज है इसका। ये जो क्लच है दोस्तों, क्लच और जो ब्रेक है दोस्तों इसके अंदर ये भी एक अलग ही फीचर है, सस्पेंडेड मिलते हैं आपको, ये जैसे आम ट्रैक्टरों में हो वैसे नहीं है। और दोस्तों जो इसका हाइड्रोलिक पम्प है ना, जैसे मैंने आपको ये पहले भी दिखाया, हाइड्रोलिक पम्प जो है इसका दोस्तों इसमें ऑप्शनल भी है एक, अगर आप चाहो तो 60 लीटर जो 1 मिनट में ऑयल फ्लो करता है वो भी ले सकते हो, और एक आता है दोस्तों इसमें 45 लीटर का, इसके अंदर जो है दोस्तों 45 लीटर का लगा हुआ है, मतलब 1 मिनट में 45 लीटर ऑयल ये फ्लो करता है। अगर आपका कुछ काम ऐसा है हाइड्रोलिक का तो आप 60 लीटर वाला भी ले सकते हो, ये एक ऑप्शनल फीचर है, ये आपको दोस्तों किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा, मतलब हाइड्रोलिक पम्प ऑप्शनल आपको किसी भी अदर कंपनी में नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो स्टेयरिंग का है ना पंप इसका, वो करता है 1 मिनट में 26 लीटर ऑयल फ्लो, और ये जो ऑयल फ्लो होता है जैसा कि 26 लीटर स्टेयरिंग का कर रहा और हाइड्रोलिक वाला कर रहा दोस्तों 45, ये इंजन के रेटेड RPM पर करता है, मतलब कि 2300 RPM पे। अब दोस्तों आपको जो है ट्रैक्टर के ऊपर लेकर चलता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ आपको ट्रैक्टर का लुक। ये देखिए दोस्तों इसका जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों बिल्कुल फ्लैट है। देखो दोस्तों मतलब जो हायर HP सेगमेंट के ट्रैक्टर है ना, जैसे कि अर्जुन 9 में भी आपको जो है फ्लैट ही मिलता है, लेकिन
जो जॉन डियर है, जॉन डियर में दोस्तों आपको फ्लैट नहीं मिलता इसका। दोस्तों एक तो देखने में जो आपको फीला होगा ना ऊपर से बैठ के, वो अलग ही आओगा। ये दोस्तों जॉन डियर ट्रैक्टर में सबसे बड़ी कमी यही है, उसमें दोस्तों कंपनी को जो है ना ये देना चाहिए बिल्कुल फ्लैट। अर्जुन 9 में है दोस्तों ये, और इसमें न्यूलैंड में, तो ऊपर से बैठ कर आपको कुछ इस तरह का लुक इसका दिखाई देगा। और जो ये है दोस्तों इसका रियर व्यू मिरर, देखिए आपको जो है ना इसमें डार्क दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। और हम आपको पीछे मोबाइल से दिखाऊं तो ये देखिए इतना डार्क नहीं है दोस्तों। ये जो है दोस्तों एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर है जो गाड़ी में होता है, जब इस पे दोस्तों मतलब पीछे से लाइट पड़ती है तो ड्राइवर का चोंद नहीं लगती। ये दोस्तों एक अलग ही फीचर है न्यूलैंड का। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रांसमिशन की, तो देखो ध्यान से समझना दोस्तों, ट्रांसमिशन में जो है ना इसमें तीन ऑप्शन है। ये जो ट्रैक्टर है जो आप देख रहे हो लो हाई मीडियम, और ये हो गया दोस्तों 1 2 3 4 गियर, मतलब के 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे सुपर शटल का लीवर। इसमें तो हो गया दोस्तों मतलब 12 12 24 गियर, एक आता है दोस्तों इसमें 40 गियर का क्रीपर मॉडल। अगर आप क्रीपर मॉडल लेना चाहते हो तो वो भी ट्रैक्टर अवेलेबल है, उसमें आपको मिलेंगे टोटल 40 गियर। और एक आता है दोस्तों इसमें 48 गियर का, वो आता है दोस्तों स्प्लिटर लीवर के साथ में। स्प्लिटर जो लीवर हो दोस्तों वो यहाँ पर लगा रहे हैं, ये जो दो जगह आपको दिखाई दे रही ना, ये दो लीवर आते हैं इसमें जो टॉप मॉडल आवे ना, मतलब कि एक तो दोस्तों 4x4 का रहे 4x4 का गियर लगाने का, और दूसरी जो है दोस्तों वो रहे स्प्लिटर का। तो तीन ऑप्शन आपके पास में है, 48 गियर और 40 गियर, और ये जो है दोस्तों ये है 12 प्लस 12 24 गियर में। इसी से दोस्तों आप इसे जो है आगे पीछे कर सकते हो, मतलब आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रैक्टर पीछे हटाना तो आप इसे पीछे को खींच दो, आपको एक बार चला कर दिखाऊँगा दोस्तों। और दोस्तों जितना आगे को भाग गया ना ट्रैक्टर ये, इतना ही पीछे को चलता है। जोन से गियर में ट्रैक्टर पड़ा और अगर आप इसे पीछे करते हो रिवर्स में, तो ये जो है उसी स्पीड में पीछे चलता है दोस्तों, बिल्कुल सेम स्पीड में जो आगे की है उसी स्पीड में पीछे चले। और इसमें भी दोस्तों दो ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इसमें पावर शटल भी ले सकते हो। ये जो है ये तो दोस्तों मैनुअल शटल है, पावर शटल का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। और दोस्तों एक चीज़ और है इसमें ऑप्शनल, ये जो इसके ब्रेक हैं ये दोस्तों ये तो मतलब OIB ब्रेक हैं। इसमें अगर आप चाहो तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी ले सकते हो, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड ब्रेक। उसके लिए दोस्तों आपको डीलर को अलग से बोलना पड़ेगा, उसमें मतलब जो है ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है। और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे इसका जो है डबल क्लच का लीवर, और ये हो गया दोस्तों इसका पार्किंग ब्रेक, इसे बोलते हैं दोस्तों कन्वेंशनल पार्किंग ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद में दोस्तों देखो जैसे ये पैडल है ना इसका, ये ऐसा प्रेस हो रहा, और जब आप ब्रेक लगा दोगे तब भी ये ऐसे ही प्रेस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाम हो जाएगा। अगर दोस्तों इसकी सीट की बात करें तो इसके अंदर जो सीट दे रखी ड्राइवर सीट जो है ये भी कोई आम सीट नहीं है। एक तो इसमें ये आपको दोनों साइड में आर्म रेस्ट मिलते हैं, इस पर दोस्तों अलग ही फील आता है बैठ कर, मतलब बिल्कुल आर्म रेस्ट पर जब आप ऐसा हाथ रखोगे ना, जब आपका ट्रैक्टर खड़ा हो, अगर काम कर रहे हो दोस्तों जुताई में चल रहा है तो आप इसे फोल्ड कर दो पीछे। और दूसरा फीचर दोस्तों गजब का ये है, जितनी भी इसकी सीट आप पीछे हटाओगे इतनी ही सीट जो है ऊपर को उठती चली जा दोस्तों, मतलब जितनी पीछे हटाओगे ना इतनी ही ऊपर को सीट इसकी हो जा ऑटोमेटिक। और दोस्तों ये हो गया जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, आपको एक बार की ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए। एक चीज़ रहेगी दोस्तों PTO के बारे में, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। अब दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझना, वो 2300 RPM का ट्रैक्टर है, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 2300। ये जो मॉडल है दोस्तों इसके अंदर आपको इकोनॉमी PTO मिलता है, ये लगभग बैठता है दोस्तों 1700 RPM के आसपास। इकोनॉमी PTO जो है इसका काम करेगा, 540 चक्कर आपको मिलेंगे। दूसरा जो PTO है दोस्तों इसका नॉर्मल लाइव PTO, वो मिलेंगे दोस्तों लगभग आपको 2200 चक्कर के आसपास, 540 चक्कर। इसमें एक ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप चाहो
तो 1000 RPM भी इसमें ले सकते हो। इसी की साइड में जो ये 1000 बनना दोस्तों, ये इसीलिए बना हुआ है कि अगर कोई 1000 RPM वाला ट्रैक्टर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। 1000 ये दोस्तों यहीं पर निकाल लगा, लेकिन जब आप 1000 वाला लोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, 540 इकोनॉमी आपका काम नहीं करेगा। तो ये सोचने वाली चीज़ है दोस्तों, मतलब कितने गजब गजब के फीचर इन ट्रैक्टरों में आपको मिलते हैं और कितने ऑप्शन आपके पास है। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हो गया इसका PTO का लीवर, 540 होगी दोस्तों नॉर्मल और 540 इकोनॉमी। और दोस्तों इसके अंदर आपको ग्राउंड और रिवर्स स्पीड PTO भी मिलता है, ये लिख रहा है यहाँ पे ग्राउंड और रिवर्स स्पीड PTO। और ये है दोस्तों डायरेक्ट स्पीड, दो लीवर है, एक लीवर ये हो गया, एक लीवर हो गया दोस्तों यहाँ पे ये। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि टर्बो भी लग रहा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने टर्बो चार्जर, दिस ट्रैक्टर इज़ फिटेड विद ए टर्बो चार्जर, प्लीज़ कीप द इंजन इन लो आइडल कंडीशन फॉर एट लीस्ट 1 मिनट जस्ट आफ्टर स्टार्ट एंड जस्ट बिफोर शट डाउन। मतलब बंद करने से और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ट्रैक्टर आपको 1 मिनट तक आइडल पोजीशन में रखना, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो। कंपनी ने तो दोस्तों 1 मिनट दिख रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 2 मिनट आप रखो ट्रैक्टर को स्टार्ट कम से कम। इधरली साइड में जो है दोस्तों ये आपको लिफ्टोमेटिक मिलता है इसमें, और ये हो गया DC और PC लीवर यहाँ। और दोस्तों ये हो गया अगर आप हाइड्रोलिक इम्प्लीमेंट चलाते हो तो उसका लीवर, ये देखो आप कितना स्मूथ ये काम करता है। तो सभी चीज़ दोस्तों जो है ना बेस्ट है इसके अंदर, और हीट शील्ड गार्ड भी आपको मिलते हैं ये जो है, ताकि इंजन की गर्मी ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंच पावे। और आपको अब एक बार इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसे स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको शटल लीवर जो है ये न्यूट्रल में करना होगा, नहीं तो ट्रैक्टर जो है स्टार्ट नहीं होगा। अब ये पीछे है दोस्तों रिवर्स में, और अब ये दोस्तों फ्रंट फॉरवर्ड में है, और यहाँ पे न्यूट्रल है। तो अब देखिए तो दोस्तों एक बार जो है आपको इसका सुपर शटल जो है ना ये दिखाता हूँ ये किस तरह काम करता है। ये देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसे आप डाल लो फिलहाल तीसरे गियर में, ये न्यूट्रल में हो गया लीवर अब, और अब डाल लो इसे दूसरे में, तो ये आपने डाल दिया दूसरे गियर में। और इधर है दोस्तों ये हाई में, यहाँ पे न्यूट्रल है, मीडियम हाई, इधर लो है, और अब इसे आप आगे वो करो। अब जैसे दोस्तों आपको ये पीछे चलाना तो तुरंत आपको जो है क्लच दबा कर ब्रेक लेके और पीछे एकदम, वैसे रोक का लगाना चाहिए दोस्तों जो फॉरवर्ड और रिवर्स में, अगर आगे को चल रहा है ना पीछे को चलाना या पीछे को चल रहा आगे को चलाना, तो ट्रैक्टर को रोकना चाहिए ताकि मतलब गियर जो है आपस में ना टकरावे। तो दोस्तों ये जो धर्मकांटा है ना ये माइनस में जा रहा और यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसी हिसाब से तोलना पड़ेगा। ये देखिए 7 क्विंटल 65 किलो, मतलब तो इतना माइनस में है। अब मैं इस पर ट्रैक्टर चढ़ाता हूँ फिर ये वजन जो है माइनस कर लेंगे इसमें से, यहाँ पे दोस्तों कोई है नहीं असल में जो इसे जीरो करे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों 34 क्विंटल 75 किलो, इसमें से दोस्तों वो माइनस हो जाएगा 34 क्विंटल 75 किलो में से 7 क्विंटल 65 किलो था शायद जो माइनस में था, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे इतना वजन इस ट्रैक्टर में है।